साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनायस ऑनलाइन हब में, जहां दोस्तों मिलते हैं अनायस से जुड़ी हर एक राज्य की ताज़ा अपडेट एवं शिक्षक भर्ती से लेटेस्ट अपडेट। आप सभी शिक्षक साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, अनायस डीलेड वालों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है, चाहे वो सीटेट जुलाई हो या सीटेट दिसंबर हो, उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे तमाम जुड़ी, चाहे वह बिहार से आप एनआईएस डिलेट किए हो या यूपी से किए हो या एनसी रिलेटेड मामला हो, इस वीडियो में आपको जानने से मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज की अखबार है प्राथमिक शिक्षक नियोजन पर अगले सप्ताह होगी निर्णय, और यहाँ पर सीटेट दिसंबर से लेकर जुलाई सभी की बात कही गई है। नया शेड्यूल या पुराने शेड्यूल के मुताबिक शिक्षक बहाली पूरा की जाएगी, उसके लिए के तमाम जानकारी इसमें दी गई है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एनसीटी के लेटर से आने के बाद जो है अब कोई संशय नहीं रह जाती है, तो जल्द से जल्द किया जाएगा और सरकार जो है पॉजिटिव वे में काम कर रही है। तो इसी में सभी को जो हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है आज की प्रभात खबर में। जैसा कि दोस्तों मैं जो भी अपडेट आपके समक्ष लाता हूँ, पूरी प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। 23 मई 2020 शनिवार पटना और से अपडेट आ रही है, जो कि पेज नंबर 9 में प्रभात खबर में दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन पर अगले सप्ताह होगा निर्णय। यानी जितने दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट हो, सर्टिफिकेट हो, सब जो है अपने तैयार रखें, क्योंकि ये जल्द ही बहाली खोलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सीटेट दिसंबर वालों का भी जिक्र किया गया है, और जितने भी उसमें दिए गए हैं यानी इसमें शामिल किए जाएंगे कि नहीं सीटेट दिसंबर वाले को, उसके भी बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज की क्या है अपडेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन पर अगले सप्ताह होगा निर्णय, यानी जल्द ही होगा जो है इसका निर्णय होगा। और कल भी जो है मैंने अपडेट दिया था कि इसका शेड्यूल जो है जल्द ही निकलने वाला है। तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रख ले, जितने भी हैं डीएलएड जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जाति आवासी, जितने भी है दोस्तों आप लोग जो है तैयार रखे डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहाली तुरंत ही खोलने वाली है लॉकडाउन के बाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में अब राज्य सरकार अगले सप्ताह निर्णय लेगी, यानी जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाला है। एनसीटी का जो लेटर का वेट किया जा रहा था, एनसीटी के तरफ से लेटर भी आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस नियोजन के संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी कि दिसंबर 2019 सीटेट उत्तीर्ण और बीएड धारकों को लिया जाएगा या पहले की भांति जुलाई की सीटेट उत्तीर्ण तक ही नियोजन को सीमित रखा जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर कहना है, जो यहाँ पर आप लोग कह रहे थे, बराबर कमेंट कर रहे थे कि सर सीटेट दिसंबर वाले को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में यानी सरकार की दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण डीएलएड और बीएड धारकों को लिया जाएगा या पहले की भांति जुलाई की सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तक ही नियोजन प्रक्रिया जो है सीमित रखा जाए, इन दोनों में से एक विकल्प जो है चुना जाएगा। डॉक्टर सिंह ने के मुताबिक सरकार के निर्देश के तत्काल बाद इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी इसका जो शेड्यूल है जल्द ही जारी किया जाएगा। और यहाँ पर आगे कहना है कि जाएगा, उल्लेखनीय है कि सरकार की मंशा है कि इस नियोजन को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि नई शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इस संबंध में जानकारी का कहना है कि अगर सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लिया जाए तो सरकार को नया शेड्यूल जो है देना होगा। इसका सीधा सा मतलब होगा कि एक बार फिर नए आवेदन लिए जाएंगे। अगर सरकार जुलाई के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही इसका पात्र मानती है तो वह पुराने शेड्यूल में ही 18 महीने के डीएलएड धारकों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय देने के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। दोस्तों यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सीटेट दिसंबर वालों को यहाँ पर शामिल करती है तो
जो है नया शेड्यूल जारी हो सकता है, या पुराने जो शेड्यूल पहले से जो आया था, अगर उस शेड्यूल से देखा जाए तो यहाँ पर उस शेड्यूल से अगर करता है तो यहाँ पर दिसंबर वाले जो है बाहर हो सकते हैं। तो इस पर विचार चल रहा है कि इसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अगर करता है तो नया शेड्यूल जारी होगा, यानी सीटेट दिसंबर वालों के लिए। तो दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा, सितंबर जुलाई हो या जो भी अपडेट हो, तो आप लोग को इस चैनल पर दी जाएगी। और फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही अपडेट है जो कि बिहार शिक्षक संबंधित से अपडेट आ रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यूपी से भी कुछ अपडेट आ रही है। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, NISC DELED भी होंगे भर्ती के दावेदार। ये दोस्तों प्रयागराज यानी यूपी शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षक भर्ती की आने वाली परीक्षा में दावेदार की संख्या और बढ़नी तय हो गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NISC DELED का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी NCT ने इस पाठ्यक्रम को जो है हर घोषित कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि NCT जो रूल रेगुलेशन लाता है, वो कोई भी स्टेट यानी कोई भी जो है पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता है, ये हर एक स्टेट के लिए होता है। और ये जहाँ जहाँ शिक्षक भर्ती चल रहा है उसको जो है ये पत्र जो है दिया गया है। तो आप लोग ये मन में जो है टेंशन ना ले कि मेरे राज्य में जो है NISC DELED वैलिड नहीं है, हम जो तैयारी नहीं करेंगे, इस तरह का मानसा ना रखें, क्योंकि बिहार में लेटर आ गया है तो आपके वहाँ भी लेटर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTT 2019 में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की OMR शीट का मूल्यांकन नहीं हुआ था जिन्होंने NISC DELED प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि UPTT में NISC DELED को कहीं कहीं बैठने दिया गया, कहीं कहीं बैठने नहीं दिया गया, कहीं पर निकाल दिया गया। तो इस तरह का जो UPTT का जो मामला है वो अब जो है सिमटता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने परीक्षा समिति में इस प्रस्ताव का जो है अनुमोदक करार ऐसे अभ्यर्थियों को जो बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दी थी। असल में NISC DELED अभ्यर्थियों ने भी DELED का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया था। उस समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT की नियमावली में सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही पत्राचार के माध्यम से DELED माना था। इसके सिवा नियमावली में अन्य पत्राचार की DELED मान्य नहीं था। इसलिए NIS के DELED अभ्यर्थियों को OMR शीट का मूल्यांकन नहीं हो सका था। इसके पहले तमाम जिलों में NIS से DELED करने वाले परीक्षा केंद्र से प्रवेश से रोका गया, उसके बाद भी तमाम इम्तिहान देने में भी सफल हो गए। उनकी संख्या 1 से 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 2 लाख थे, लेकिन अभी जो है 1.5 लाख पूरा फाइनल पास किए हैं NISC से DELED की बात करें तो। तो इस तरह का जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज से भी अपडेट आ रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो केस है अभी इलाहाबाद में जो है आदर्श श्रीवास्तव जो वहाँ के शिक्षक संघ हैं और सोमनाथ जी और यहाँ पर अखिलेश जी के नाम से जो पिटिशनर फाइल किए हैं, अभी कोर्ट में मामला चल रही है। जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन आउट होती है वहाँ भी जो है फाइनली फैसला आ जाएगा। UPTT 2019 में शामिल होने के लिए OMR शीट नहीं दिया गया था मूल्यांकन। और यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जो भी अपडेट आएगा आप लोग को जो है दिखाई जाएगी इस चैनल पर। और जो भी अभ्यर्थी जो क्या बोलते हैं एनसी से रिलेटेड हैं या जो भी रिलेटेड है, तो आप लोग का भी जो है सुनने में आ रहा है कि हो सकता है MHRD जो है फिर से पोर्टल को खोल सकती है। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है एनसी रिलेटेड या जो भी रिलेटेड, तो मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग भी जो है ट्विटर कीजिए बराबर NC वालों से। मैं यही आवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग की भी संख्या ज़्यादा है, आप लोग भी ट्विटर कैंप चलाइए, आप लोग भी इस तरह का कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ना कहीं आप बाहर निकल सकते हैं ना कहीं आप जा सकते हैं। तो दोस्तों
ये छोटी सी अपडेट थी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी दोस्तों तक शेयर कर देना।